तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, जो आपका दिल करे दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। आज जो है आपको पहले नीचे दिखाते हैं, ये बेसमेंट है 3+1 है, इसके बाद आपको ऊपर भी दिखाऊंगा, कीमतों का डिफरेंस भी जो है आप देख लेना। तो पहले आओ अंदर चलते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लॉक कर आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, कैमरा भी लगा है। तो फिलहाल जाना है बेसमेंट वाला आपको दिखा रहा हूँ मैं, 3+1 है। ये किचन आप देख लो इसका पूरा, बाहर से थोड़ा सा व्यू भी है, बेसमेंट भी कह सकते हो इसको, वैसे बेसमेंट है या नहीं लेकिन बेसमेंट ही गिना जाता है ये वाला। तो और इसका आपको दूसरा रूम भी दिखाएं, ये एक छोटा रूम है बेबी के लिए, आप रख सकते हो बच्चों के लिए या गेस्ट वगैरह के लिए। और एक और रूम है इधर, ये रूम भी आप देख लो, इसका साइज भी चेक कर लो। यहाँ पे भी खिड़की वगैरह है, अगर आपने हवा वगैरह के लिए खोलनी है रोशनी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये वॉशरूम चेक कर लो आप, खैर अब वो आएगा बीच में। एक रूम ये वाला, ये भी आप देख लो, तो इसके साथ वाला रूम भी दिखाते हैं, वो इससे ज़रा बड़ा है। तो एक रूम ये वाला है इसका, 3+1 है। इसके साथ यहाँ पे जो है ना बाहर गार्डन वगैरह भी है, तो वो भी एक बार जो है ना आप चेक कर लो, वो भी आपको दिखाते हैं। तो एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसे नहीं उड़ता है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ना, TRC का आपको इसमें इशू नहीं होने वाला। TRC के वाले से मुझे बहुत लोग जो है ना कमेंट करते हैं या मैसेज करके पूछते हैं TRC मिलेगी कि नहीं। जो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए ले रहे होते हो ना, उस पर आपको इशू नहीं होता है, ठीक है, जिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको इस वाले से सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आप कीमत की भी बात कर लेते हैं, ये जो है ना 3+1 है और $50,000 का है, ठीक है, 3+1 $50,000 बेसमेंट की वजह से। बाकी आप ऊपर वाले की कीमत आपको ऊपर जाकर बताते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, जो आपका दिल करे दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।